पिता परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद करता हूँ कि और एक बार उसकी उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हम सबों को अनुग्रह दिया। मैं आज एक वचन के द्वारा परमेश्वर की कुछ बातों को, जो हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, उस बातों को मैं बताना चाहता हूँ। जब हमारा दिनचर्या जीवन चलता रहता है और जब कोई व्यक्ति प्रभु के उपस्थिति में आता है और प्रभु को अपना परमेश्वर मानता है और प्रभु को अपना परमेश्वर मानकर चलना जब आरंभ करता है, शुरुआती तौर पर हर एक व्यक्ति प्रभु की आज्ञाओं को मानकर उस परमेश्वर के प्रति वफादार रहकर आगे बढ़ना उनको अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, साल बाद साल दर हमारे सामने से जब गुजर जाती है, हमारा परमेश्वर के ऊपर या प्रभु के प्रति हमारा नज़रिया भी बदलता है और उसमें भी कई बातों में बदलाव दिखाई देता है। देखिए, नीति वचन का किताब से मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। एक छोटा सा एक थॉट है, एक छोटा सा सोच है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, और वो ये है नीति वचन और उसका 14 अध्याय और उसके 27 वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। बाइबल बताता है नीति वचन, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और दूसरे लाइन में उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। कई बार हम इसलिए मृत्यु से बचते हैं, कई बार इसलिए हमारी शत्रु शैतान हमें दबोच नहीं पाता, कई बार इसलिए कि दुष्ट आत्माएं हमें छू नहीं पाती, कई बार इसलिए कि हम नष्ट नहीं होते। बाइबल बताता है यह इसलिए कि तुम यहोवा का भय मानते हो। देखिए बाइबल कहता है यहोवा का भय मानना जीवन का स्रोता है। क्या है यहोवा का भय? जब ये शब्द हमारे सामने आता है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है क्या हम परमेश्वर से डरें? क्या हम परमेश्वर के सामने थरथराए? क्या परमेश्वर के सामने हम कांपते रहे डर के कारण? देखिए, ये परमेश्वर के प्रति जो हमारा भय है, ये वो उस डर के कारण नहीं है। हम परमेश्वर को डरते हैं, जी हाँ डरते हैं, लेकिन यहां जो कहता है यहोवा का भय मानना, इसका अर्थ यह है कि यहोवा की आज्ञाओं पर चलना, यहोवा से लिपटे रहना, यहोवा के प्रति वफादार रहना, उसके वचनों में बना रहना, उससे प्रेम करना और उसके हरेक आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करना, यही है यहोवा का भय मानना। और जब कोई भी परमेश्वर का जन या कोई भी विश्वासी अपने दिनचर्या जीवन में जब उस परमेश्वर का भय मानता है, बाइबल उसको ऐसा कहता है, नीति वचन उसका 28वें अध्याय और उसका 14वें वचन में ऐसा लिखा गया है, जो निरंतर यहोवा का भय मानता रहता है वो धन्य है। इसका मतलब कुछ ऐसे लोग भी है जो निरंतर यहोवा का भय नहीं मानते, शायद वो रविवार मानते हैं और सोमवार को वो यहोवा का भय नहीं मानते, शायद वो शनिवार मानते हैं लेकिन बाकी के सप्ताहिक बाकी के दिनों में वो परमेश्वर का भय नहीं मानता। परमेश्वर हमसे इस वचन के द्वारा एक बात कहता है, जो निरंतर यहोवा का भय मानता रहता है, आपके कमी में भी उससे भय खाए, आपके घटी में भी उस खुदा का भय आपके अंदर हो, आपके बढ़ोतरी में भी उस परमेश्वर का भय आपके अंदर हो, आपके कंगाली में भी उस परमेश्वर का भय आपके अंदर हो। क्योंकि बाइबल बताती है जब कोई प्रत्येक दिन प्रत्येक घंटा उस परमेश्वर का भय मानता है, बाइबल इस बात को बताता है वो धन्य है। और अगर आसमान का परमेश्वर, अगर वो यीशु हमें धन्य कहता है, हमें इंसानों से अपने लिए धन्य बुलवाने की आवश्यकता नहीं है। और हम धन्य इसलिए कहलाएंगे क्योंकि बाइबल कहता है जो प्रत्येक समय निरंतर यहोवा का भय मानता रहता है।
इसका अर्थ यह है, समझिएगा, कि ऐसे लोग भी हैं जो निरंतर यहोवा का भय नहीं मानते। जब उसकी जिंदगी में बहुत खुशियां आ जाती है, वो यहोवा का भय मानता है। कुछ लोग ऐसे हैं, जब उसके जीवन में दुख का घड़ी आता है, तब वो यहोवा का भय मानता है। कुछ लोग ऐसे हैं, पूरे जीवन यहोवा का भय नहीं माना, लेकिन जब उसके शरीर में कुछ ऐसी बीमारी आ पड़ी और वो यहोवा का भय मानना आरंभ करता है। तो लोग अलग अलग समय पर अपने परमेश्वर के प्रति वफादार, अपने प्रभु के प्रति ईमानदार, अपने परमेश्वर से प्रेम का एक एक ओकेशन बना लेता है और एक एक समय बना लेता है। लेकिन यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, जो निरंतर यहोवा का भय मानता है वो धन्य होता है। और नीति वचन यहाँ 14वीं अध्याय और उसके 27 में लिखा है, यहोवा का भय मानना जीवन का स्रोता है। जब हम परमेश्वर की भय मानते हैं, हमारे हर एक दिन में, हमारे हर एक चाल चलन में, हमारे हर एक सोच में, हमारे हर एक बोली वचन में, हमारे हर एक देखने में, हमारे हर एक क्रियाओं में, जब अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानते हैं, होता क्या है मालूम है? प्रभु का वचन कहता है, वो उस भय के द्वारा हमारे जीवन का स्रोत बन जाता है। अर्थात यहोवा का भय मानना जीवन का स्रोता है। स्रोता का अर्थ होता है एक ऐसा जगह जहां से पानी का स्रोता निकल रहा है और वो स्रोता कभी बंद नहीं हो सकता। वो लगातार और लगातार वो पानी को अपने अंदर से बाहर निकालता हुआ चला जाता है, क्योंकि वो स्रोता है। और स्रोता का काम ऐसा है कि वो कभी अपने अंदर से पानी निकालना बंद नहीं करता। तो परमेश्वर कहता है, अगर तू मेरा भय अर्थात मेरी आज्ञाओं पर चलना, अर्थात मेरी महिमा करना, मेरी प्रशंसा करना, मेरे लिए जीना, मेरे लिए चलना, मेरी आज्ञाओं को मानना, मुझसे प्रेम करना और मुझसे लिपटे रहना, इसका फल ये होगा कि जीवन का सोता तेरे लिए जिंदगी भर तक उमड़ता रहेगा, आता रहेगा। और नीचे कहता है कि ये जीवन का सोता हमारे जीवन में क्या काम करता है ना। बाइबल में दाऊद भी कहता है, वो हमें सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। और यहाँ पे सुलेमान का नीति वचन कहता है, जो कोई यहोवा का भय मानता है उनके लिए वो जीवन का सोता बन जाता है। और जीवन का सोता हमारे जीवन में करता क्या है? जीवन का सोता हमारे जीवन में जीवन को ढालता है। आज दुनिया में हर कोई जीवन गुजार रहे हैं, लेकिन क्या उसके जीवन में जीवन है? अर्थात उसके दुनिया में जीवन गुजारने का समय आनंदित है, खुशी है, क्या मगन है, क्या वो आराम से बिता रहा है? प्रभु का वचन कहता है, इसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का वचन, आप जब रात को सोते हैं, शैतान आपके आंखों के बंद होने के बाद आपके लिए क्या योजनाओं को बना रहा है आपको नहीं पता। आपके बच्चों के लिए क्या योजनाओं को बना रहा है आपको नहीं पता। आपके बिजनेस के लिए वो क्या योजनाओं को बना रहा है आपको नहीं पता। आपके मिनिस्ट्री के लिए वो क्या योजनाओं को बना रहा है आपको नहीं पता। आप बोलिए, मुझे जानना भी नहीं है, लेकिन मुझे एक बात अपने आप को बताना है कि हे मेरे मन, हर वक्त, हर दिन, 365 दिन उस जीवित परमेश्वर का भय मानता रहे। क्योंकि जब हम उसकी भय मानेंगे, बाइबल कहता है वो तेरे लिए जीवन का सोता होगा और वो जीवन का सोता तुझे मृत्यु के फंदों से बचाएगा जो हमारे लिए शैतान ने तैयार किया है। कई लोग के जीवन में शायद बीमारियों के द्वारा शैतान उसको मृत्यु में खींचना चाहता है। कई लोगों के जीवन में शायद बहुत डिप्रेशन के द्वारा उसको शैतान मृत्यु में खींचना चाहता है। कई लोगों के जीवन में परिस्थितियों के द्वारा शायद शैतान उसके लिए एक ऐसा फंदा लगाया गया कि वो शायद अपने जीवन को नष्ट कर दे। लेकिन परमेश्वर कहता है, हर एक व्यक्ति जो मेरा भय मानता है उसको शैतान के हर एक मौत के फंदे, यहाँ पे लिखा कुछ और फंदा नहीं, मौत का फंदा जो शैतान आपके लिए लगाता है, क्यों? ताकि आपको मौत के घाट उतारने के लिए। लेकिन प्रभु कहता है, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, ना केवल जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। इसलिए अपने जीवन को इस वचनों के द्वारा हम तैयार करें और बोले, प्रभु मैं हर दिन, प्रत्येक दिन आपका भय मानूंगा।
और नीति वचन जब आगे पढ़ते हैं, और भी कुछ वचन है, मैं आपको बताऊं, नीति वचन 8 का जब आप 13 वचन पढ़ेंगे, वहां लिखा गया है, यहोवा का भय रखना बैर से भय रखना है। जो कोई यहोवा को भय मानता है वो बैर से दूर रहेगा, गलत काम से दूर रहेगा। नीति वचन 9 का 10 कहता है, यहोवा का भय मानने से बुद्धि का आरंभ होता है या बुद्धि प्राप्त होता है। उसके बाद नीति वचन 10 का 27 कहता है, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। हालेलुया, हम अपने जिंदगी में उस परमेश्वर का भय माने, अर्थात उसका आदर करें, उसका सम्मान करें, उसकी जय जयकार करें, अपना जीवन उस खुदा के लिए निछावर कर दे, अपना जीवन को उस प्रभु के लिए दे दे, और दिन प्रतिदिन उसका भय माने, अर्थात उसकी आज्ञाओं पर चले, उससे लिपट जाए, उससे प्रेम करे, अपना प्रेम उसको प्रदर्शित करे। और प्रभु कहता है, यही चीज तेरे लिए जीवन का सोता बन जाएगी, और वो जीवन का सोता शत्रुओं के हरेक मृत्यु के जाल से या मृत्यु के फंदों से तुझे बचाएगा। अरे वायदा किसका है पता है? ये वायदा आपको, मुझे और पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर करता है। इसलिए प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आज ये सिखाए कि हमें हर वक्त यहोवा के भय में चलना है। जब भी हम बुराई करने के लिए मन चाहे, अपने मन को कहना, क्योंकि मुझे यहोवा का भय है इसलिए मैं बुराई नहीं करूंगा। जब भी आपका आंख आपको कहीं और दिखाए, तो आप वहां से अपने आंखों के नजरों को हटाना, आप कहना अपने दिल को, मुझे यहोवा का भय है इसलिए मैं इस बुरी चीजों को नहीं देखूंगा। और जब अपने आप को हम ऐसा करते जाएंगे, बाइबल कहता है 28 अध्याय 14 वचन नीति वचन का, जो निरंतर यहोवा का भय मानता है वो धन्य है। इस वचन के दौर में बोलना चाहूँगा, एक दिन, दो दिन, या रविवार, या क्रिसमस, या गुड फ्राइडे, या ईस्टर, केवल हम परमेश्वर का भय ना माने, ना हमारे कमी में प्रभु का भय माने, ना हमारे बढ़ोतरी में प्रभु का भय माने, बल्कि प्रभु एक ऐसा परमेश्वर है निरंतर उसका भय माने। जब भय मानेंगे हमारे लिए जीवन का सोता होगा, और वो जीवन का सोता आपको हर एक मृत्यु के फंदों से बचाएगा। शैतान आपके लिए जो भी जाल बुनना है बुनने दीजिए, उनका मेहनत आपके प्रति बेकार होगा, क्योंकि आपका परमेश्वर भय मानने वाले लोगों को उसके हर एक मृत्यु के फंदों से उसे बचाना चाहता है और जानता है। हालेलुया, प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करें।